सो है गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो हम लोग बात करेंगे एस्थेनिक वीडियो के, जो कि कुछ इस तरह से होते हैं, जो कि काफ़ी दिनों से रील्स पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो इस वीडियो को कैसे बनाया जाता है आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए गाइस, आज के इस नॉलेजफुल वीडियो को शुरू करते हैं। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। पहला एप्लीकेशन का नाम है VN वीडियो एडिटर, और जो दूसरा एप्लीकेशन है वो है प्रिक्यूल इफेक्ट। ये दोनों एप्लीकेशन आप लोग को प्ले स्टोर पर अवेलेबल मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों का लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि इसे यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को VN एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे ही आप लोग ओपन कीजिएगा तो आप लोग के सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है, और जैसे यहाँ पर प्लस वाले साइन पर क्लिक कीजिएगा उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप लोग को वीडियो को सेलेक्ट कर एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पर आप लोग वीडियो एक्सपोर्ट करने टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो स्लो मोशन में ही होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जल्दी से वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद आप लोग का वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, जो कुछ ऐसा है। यहाँ पर वीडियो फंस रही है, लेकिन एक्सपोर्ट होने के बाद आप लोग का वीडियो स्मूथ हो जाएगा। यह वीडियो कुछ इस तरह से है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को ये आगे वाले कुछ पार्ट को यहाँ पर मैं कट कर देता हूँ। कट करने के लिए सिंपल आप लोग को ये कैची वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो कि यहाँ कुछ ऐसा है। इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ वीडियो कट हो जाएगा, और इस पर टैप करके आप लोग को इस वीडियो क्लिप को डिलीट कर देना है, क्योंकि यह एक्स्ट्रा शूट है। तो अब चलिए यहाँ से बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ये वीडियो को यहाँ तक ले जाना है, और यहाँ एक कट लगाना है। तो कट लगाने के सिंपल आप लोग को कैंची पर क्लिक करना है। कैंची पर क्लिक कर दिए। इस वाले पार्ट को आप लोगों को फास्ट मोशन में करना है। फास्ट करने के लिए आप लोग को सिंपल सा स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और ये जो ग्राफ दिख रहा है आप लोग को ऊपर की ओर करना है। तो मैं यहाँ पर मैंने फास्ट कर लिया वीडियो को। आप लोग को इसके बाद यहाँ पर यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट को आप लोग को स्लो करना है। स्लो करने के लिए सिंपली स्पीड वाले ऑप्शन पर जाना है, और इस ग्राफ को डाउन करना है। डाउन करने के लिए सिंपली आप लोगों को ऐसे कर देना है। और ये वीडियो स्लो हो चुकी है। उसके बाद आप लोग को यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोग क्लिप देख सकते हैं, ये फास्ट है और ये स्लो हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर एक्स्ट्रा शूट को आप लोगों को डिलीट कर देना है। अब यहाँ पर हम लोग फिल्टर लगाएंगे। फिल्टर लगाने के लिए आप लोग को फिल्टर वाले ऑप्शन पर चले जाना है, और यहाँ पर बहुत सारे आप लोग को फिल्टर मिलेंगे। आप लोग कोई भी फिल्टर का यूज कर सकते हैं। फिल्टर लगाने के बाद आप लोग को यहाँ पर एडजस्ट का एक ऑप्शन रहेगा, आप लोग वहाँ पर चले जाइएगा, और यहाँ से आप लोग वीडियो को ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट ये सब को आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद आप लोग वीडियो देख सकते हैं, कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग को सॉन्ग ऐड करना है। सॉन्ग ऐड करने के लिए सिंपली आप लोग को म्यूजिक वाले ऑप्शन पर चले जाना है, और यहाँ से आप लोग को म्यूजिक को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप कोई सा भी गाना सिंपली से प्लस वाले ऑप्शन पर जाकर सर्च कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा सॉन्ग लग चुका है, जैसे कि यहाँ पर हमारा सॉन्ग लग चुका है। अब यहाँ पर हम लोग को इफेक्ट यूज करना है। इफेक्ट यूज करने के लिए आप लोग को सिंपल से यहाँ इफेक्ट्स वाले पर जाना है, और यहाँ पर हम लोग को इफेक्ट्स वाले पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये आ चुका है हमारा इफेक्ट है। तो आप लोग इस इफेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा इफेक्ट को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इफेक्ट भी लग चुका है। अब इस वीडियो को सिंपल आप लोग को एक्सपोर्ट कर लेना है।
तो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल यहाँ वाले ऑप्शन पर चले जाना है और यहाँ से आप लोग अपने हिसाब से क्वालिटी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले से कर रखा हूँ, अब यहाँ से यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा वीडियो यहाँ पर एक्सपोर्ट हो चुका है। अब हम चलेंगे प्रिक्यूल एप्लीकेशन की ओर और प्रिक्यूल एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा प्रिक्यूल एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब यहाँ से हम लोग को वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो को सिलेक्ट करने के लिए सिंपली आप लोग को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है। और यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम लोग को फिल्टर ऐड करना है। हमें यहाँ पर डायमंड वाला फिल्टर पाया जाना है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि स्पार्कल वाला फिल्टर ऐड हो चुका है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर इसको कम करने के लिए सिंपल आप लोग को यहाँ पर डायमंड फिल्टर पर लॉन्ग प्रेस करना है। अब जैसे ही लॉन्ग प्रेस कीजिएगा तो यहाँ आपके सामने एडजस्ट आ जाएगा। अपने हिसाब से आप लोग को इसको एडजस्ट कर लेना, आप जितना भी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। और यहाँ पर फिल्टर पर चले जाना है। फिल्टर पर जाने के बाद आपको माइनस कर देना है कि वीडियो पर इफेक्ट ना पड़े फिल्टर का, और स्केल आप अपने अनुसार सब कुछ सेट कर सकते हैं। अब हम लोग को वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल आप लोग को यहाँ HD वाला ऑप्शन पर दिख रहा है, सिंपल यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है और यहाँ हमारा वीडियो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ये कॉर्नर में ऊपर की ओर यस वाले बटन पर क्लिक कर देना है और हमारा यहाँ वीडियो सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा फाइनली वीडियो जो रेडी हुआ है, मैं आप लोग को प्ले करके दिखा देता हूँ।